क्रियाकलाप 6 अपने घर के विद्युत परिपथ में लगे विद्युत मीटर का बारीकी से प्रेक्षण करें तथा प्रतिदिन प्रातः 7 बजे मीटर का पाठ्यांक नोट करें। प्रत्येक दिन कितनी यूनिट व्यय होती है? प्रत्येक दिन प्रेक्षणों को 1 माह तक सारणीबद्ध करें। अपने प्रेक्षणों की तुलना विद्युत के मासिक बिल में दिए गए विवरणों से करें। हमने सीखा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिमाण तथा वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य का मात्रक जूल है। वस्तु पर लगाया गया बल एवं उसके विस्थापन की दिशा समान हो तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा तथा वस्तु पर लगाया गया बल एवं उसके विस्थापन की दिशा असमान हो तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ऊर्जा वस्तु को कार्य करने की क्षमता देता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। V वेग से गति करती हुई m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होगी। वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण संचित ऊर्जा को वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक उठाई गई m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। रूपांतरण के पूर्व तथा रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक डब्ल्यू है। 1 kWh ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 kW के किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होती है। मुख्य शब्द कीवर्ड्स कार्य वर्क ऊर्जा एनर्जी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन शक्ति पावर।